सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। तो यार ओपन वर्ल्ड गेम्स मतलब हर किसी को बस ओपन वर्ल्ड गेम्स ही खेलना है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस भी देखोगे ना, जिसमें भाई हर कोई है ना एक ही गेम को बार 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 वीडियोज में बताता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ नए नए टाइप के ओपन वर्ल्ड गेम्स ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल GTA 5 के जैसे, ठीक है। तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि तुम्हारे भाई ने फाइनली WhatsApp के ऊपर भी एक चैनल बना लिया है। हाँ भाई, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारे नए नए गेम्स के लिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, जो भी आपको गेम चाहिए। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊं, वो सब कुछ भाई मैं वहीं पर पूछूंगा। तो फटाफट से क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अगर क्लिक करने के बाद भाई एरर वगैरह आ रहा है ना, तो प्ले स्टोर से पहले WhatsApp को अपडेट कर लो, फिर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 10 वाले गेम के बारे में, जिसका नाम है गैंगस्टर क्राइम थीफ सिटी। हाँ भाई, ये गेम के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि भाई कोई बताता नहीं यार इसके बारे में। देखो यार, ये है ना स्पेशली लो एंड डिवाइस वालों के लिए एक ओपन वर्ल्ड गेम है, जो कि बिल्कुल GTA 5 की तरह ही होने वाला है, जो कि फुल्ली स्टोरी बेस्ड होगा। यानी कि इसके अंदर एक स्टोरी होगी जिसको आपको फॉलो करना होगा, कि भाई आपको बहुत सारे मिशंस वगैरह दिए जाएंगे कि आपको इसको मारना है, उसको मारना है। एंड यहां पर वेपन्स वगैरह भी आपको देते हैं, तो भाई वेपन्स का यूज करके आपको उनको मारना है, ठीक है। काफी बड़ी आपको यहां पर ओपन वर्ल्ड सिटी मिलती है, तो भाई गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है, क्योंकि लैग बग वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो भाई चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 136 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 9 वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है ब्लॉक क्राइम सैंडबॉक्स। हां भाई, ये गेम है ना आपको बिल्कुल GTA की तरह तो देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स वगैरह है ना, वो सारे के सारे माइनक्राफ्ट के जैसे हैं भाई। मतलब इसके अंदर के जो कार्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कैरेक्टर्स वगैरह है ना, वो सारे के सारे बॉक्स टाइप है, यानी कि माइनक्राफ्ट के जैसे देखने को मिल जाते हैं। तो भाई जितने भी माइनक्राफ्ट लवर्स है ना भाई, उनको तो ये गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्वाइवल गेम है भाई, ये ओपन वर्ल्ड गेम ही है, बिल्कुल GTA 5 की तरह। इसके अंदर भी आपको क्राइम करना होगा, किसी की भी कार छीन कर चला सकते हो, पुलिस वगैरह पीछे पड़ जाएगी, मतलब सब कुछ GTA का ही कॉन्सेप्ट है। बस भाई ये गेम दिखता माइनक्राफ्ट की तरह है, तो भाई काफी यूनिक टाइप का एक मजेदार गेम है, चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 322 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 8 वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है माफिया नोएर। हाँ भाई, ये है ना बहुत ही कमाल का एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जो कि बेस्ड है 1913 के ऊपर, मतलब जब के जमाने के ऊपर ये गेम बेस्ड होने वाला है, जहां पर भाई बहुत ही कम यहां पर बंदे वगैरह थे। एंड यहां पर जो गुंडे थे ना, मतलब बिल्कुल माफिया टाइप के गुंडे वगैरह हुआ करते थे, तो भाई उसके ऊपर बेस्ड ये गेम होने वाला है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर आपको चलती फिरती यहां पर ट्रेन वगैरह देखने को मिल जाएगी रस्ते के ऊपर, एंड बहुत सारे बंदे वगैरह मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल कमाल के मिशंस करने होंगे भाई। एंड इसके अंदर जो गन्स वगैरह है ना, वो सारे के सारे ओल्ड हैं, कार्स गन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर ओल्ड थीम के ऊपर बेस्ड है, तो भाई गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है, तो चाहो तो भाई ये गेम को खेल लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, तो वो होने वाला है 200 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 7 वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है टूडो पेलो सेल्टो। हाँ भाई, गेम का नाम काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन गेम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ठीक है, क्योंकि ये गेम है ना फुल्ली आपको GTA San Andreas के जैसा देखने को मिल जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये गेम को है ना सिर्फ एक ही बंदे ने बनाया है, एंड गेम के ग्राफिक्स वगैरह एकदम तगड़े हैं। यहाँ पर भाई ग्राफिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है। ओवरऑल भाई गेम है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर आपको बहुत सारे मिशंस करने को देखने को मिल जाते हैं, वेपन से आप फाइट वगैरह कर सकते हो, किसी की भी कार वार छीन कर चला सकते हो। बस भाई ये गेम है ना, एक ही प्रॉब्लम है कि ये गेम प्ले स्टोर के ऊपर पेड है, मतलब आपको लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने व्हाट्सएप चैनल इसीलिए बना रखा है भाई, तो फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। मैं वहां पर पेड मतलब ये गेम को फ्री में कैसे लेना है उसकी लिंक वहां पर दे दूंगा, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, तो वो होने वाला है 120 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 6 वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है क्रिमिनल रशिया 3D। हां भाई, ये भी गेम है ना आपको बिल्कुल GTA Vice City एंड GTA San Andreas का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब यार गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का यार। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन वर्ल्ड आपको यहाँ पर मैप देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको बहुत सारी पब्लिक वगैरह चलती फिरती मिल जाएगी, कार्स वगैरह चलती फिरती मिल जाएगी, तो आपको जो चाहे वो आप इस सिटी के अंदर कर पाओगे। मतलब अगर आप क्राइम करोगे तो आपके पीछे पुलिस भी पड़ जाएगी, एंड आपको जो चाहे वो कार यहाँ पर रोड से उठाकर चलाने का मौका भी मिल जाएगा। मतलब गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है। एंड ग्राफिक्स की बात करें तो भाई ग्राफिक्स भी आपको बिल्कुल डिसेंट टाइप के देखने को मिल जाएंगे। एंड भाई गेम के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, कमाल का गेम है, एंड शायद से आपने पहली बार ये गेम के बारे में सुना होगा। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की,
तो वो होने वाला है 595 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 5th वाले गेम की तरफ जिसका नाम है कार ड्राइविंग 2023। हाँ भाई ये है ना बिल्कुल एक नया गेम है, मतलब अभी कुछ ही दिन पहले ही ये गेम रिलीज हुआ है एंड सच में यार गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर आपको ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाती है जहां पर आप कार्स वगैरह लेकर ड्राइव कर पाओगे एंड बिल्कुल स्टोरी मोड यहां पर मतलब स्टोरी बेस्ड ये गेम होने वाला है जिसके अंदर भाई कमाल के आपके ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ओपन वर्ल्ड एक प्यारी सिटी मिलती है एंड यहां पर भी आप जॉब वगैरह कर पाओगे, मतलब खुद का शोरूम वगैरह आपको खोलना है, कार्स को सेल करना है, कार्स को बेचना है, वो सब कुछ आप इस गेम के अंदर कर पाओगे। तो भाई गेम काफी ज्यादा कमाल का है, बिल्कुल कार फॉर सेल का ही कॉन्सेप्ट समझो। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में तो वो होने वाला है 181 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4th वाले गेम की तरफ जिसका नाम है माफिया ड्रैगन सिटी राइजेस। हां भाई ये गेम का है ना कॉन्सेप्ट यार सच में मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। मतलब देखो यार आपकी एक सिटी होती है ठीक है जिसके ऊपर ड्रैगन्स ने हमला कर लिया, मतलब लिटरली यार बहुत सारे ड्रैगन्स ने आपकी दुनिया के ऊपर हमला कर दिया है एंड आपको उन ड्रैगन्स को मारकर अपनी दुनिया से भगाना है, जिनके मतलब आपके पास एक बहुत ही तगड़े तगड़े वेपन्स दे दिए जाते हैं जैसे कि RPG मिसाइल्स वगैरह। तो आपको ड्रैगन से फाइट करना है लेकिन भाई इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा कि वो ड्रैगन्स है ना बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ करते रहते हैं आपकी सिटी में, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराना, ब्रिज वगैरह को गिराना, तो आपको कैसे ना कैसे करके आपकी सिटी की रक्षा करना है। तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का गेम है, चाहो तो इस गेम को खेल लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में तो वो होने वाला है 865 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। लेकिन अगर ये प्ले स्टोर पर आप जाकर डाउनलोड करने को जाओगे ना तो ये हमारे इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार व्हाट्सएप चैनल इसीलिए तो बनाया है भाई, वहां पर जाओ वहां पर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3rd वाले गेम की तरफ जिसका नाम है मियामी क्राइम सिमुलेटर। हां भाई ये गेम के जैसा है ना कॉन्सेप्ट आपको शायद ही कोई और गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर है ना एक वेपन है यार वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मतलब आइस वेपन करके इसके अंदर कुछ वेपन मिलता है जो कि आप जैसे ही सामने वाले बंदे को मारोगे ना वो लिटरली बर्फ का बन जाएगा भाई, जिसके बाद आप उसको मार कर ना तोड़ सकते हो। मतलब यार सोच सकते हो यार कितना ज्यादा कमाल का इसके अंदर एक वेपन देखने को मिल जाता है। मैं तो भाई स्पेशली ये गेम है ना उस वेपन की वजह से ही खेलता हूं। मतलब यार देखो यार सामने के बंदे को मार देना, तोड़ फोड़ कर देना, मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर भी आपको ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाती है, बहुत सारे मिशंस वगैरह करने को मिल जाएंगे एंड भाई गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसके अंदर क्राइम वगैरह आप सब कुछ कर पाओगे। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में तो वो होने वाला है ओनली 104 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2nd वाले गेम की तरफ जिसका नाम है सिटी ऑफ आउटलास। हां भाई ये है ना वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम के रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रहा है यार, क्योंकि लिटरली इसके ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। मतलब अगर आपको बिल्कुल GTA 5 को मोबाइल पर खेलना है ना तब आप इस गेम को खेल सकते हो, मतलब बिल्कुल वैसा ही फील देगा यार। इसके ग्राफिक्स टेक्सचर वगैरह बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं एंड इसके अंदर आपको कोई भी बग लैग वगैरह भी फेस करने को नहीं मिलेगा। लेकिन भाई बहुत सारे बंदे हैं ना इस गेम को डाउनलोड करके नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने बोल रखा है भाई इसीलिए तो व्हाट्सएप चैनल बनाया, भाई नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा। बाकी भाई गेम है ना सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, वेपन्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिली जाएंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 वाले गेम की तरफ जिसका नाम है माया नगरी। हां भाई ये गेम है ना अपना इंडियन गेम होने वाला है जो कि भाई इंडियन GTA 5 तुम इसको बोल सकते हो। मतलब सारे के सारे इसके अंदर के डायलॉग्स अपने इंडियन मतलब हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा एक कमाल का गेम है भाई जो कि अभी नहीं आया, मतलब आने वाला है तो आपको बस अभी थोड़ा बहुत ही वेट करना है। मतलब भाई खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्दी ये गेम आने वाला है, तो भाई प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको प्री रजिस्टर कर सकते हो, बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही थे यार आज वाली वीडियो के कुछ कमाल के गेम्स, आई होप भाई एक ना एक गेम आपको जरूर से पसंद आए होंगे। बाकी यार अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि वहां पर मैं सारे के सारे लिंक्स वगैरह दे दूंगा, मतलब जो जो लिंक्स मोड वगैरह आपको जो भी चाहिए सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड